नमस्कार दोस्तों, हमारे इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का चीला। हाँ, हमने एक कप आटा लिया है। इसमें एक कटा हुआ प्याज, हरा मिर्चा, कुटा हुआ लहसुन डालकर, कटा हुआ धनिए का पत्ता, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, कुटा हुआ लाल मिर्चा, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर सब डालकर एक घोल तैयार करेंगे। और ये बनाने में बहुत आसान है दोस्तों, ना रोटी बेलना, आटा गूंथना, इसमें कोई झंझट नहीं है। बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। सुबह के जल्दी भाग दौड़ में आप जल्द बना सकते हैं इसे, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हमारा घोल तैयार हो गया है, हमारा तवा भी गर्म हो रहा है। ये इसमें 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं, इसे फैला देंगे अच्छी तरीके से। इसमें 2 चम्मच घोल को डालकर इसे हम पकाएंगे। गैस को स्लो कर दिए हैं। चीला बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, इसे बहुत आसान है बनाना। चाय के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा हमारा चीला बन के तैयार हो गया दोस्तों। देखिए कितना अच्छा बना। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।